Well, anyhow, he said stoutly, I am a lucky person. अब उसने थोड़ा सा अकड़ के कहा, मैं एक लकी इंसान हूँ. Why? Said his mother with a sudden laugh. तो एकदम से उसकी मदर हंसती हुई बोली, अच्छा क्यों? He stared at her. He didn't even know why he had said that. उसने जो है अपनी मदर को घूर के देखा और उसे खुद को भी समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा. God told me, he asserted, brazening it out. अब उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, जैसे भगवान ने मुझे बताया है. I hope he did, dear, she said again with a laugh, but rather bitter. तो उनकी मदर जो है फिर दोबारा हंसी, लेकिन वही थोड़े से कटाक्ष तरीके से हंसती बोली, उम्मीद है उन्होंने ही बताया होगा. He did, mother, तो उसने कहा उन्हें ही बताया है. Excellent, said the mother, using one of her husband's exclamations. तो उन्होंने जो है बिल्कुल अपने हस्बैंड की तरह एक अचंभित वो देते हुए कहा, या जैसे एक्सक्लेमेशन होता है कि हम एक उनको एक रिस्पॉन्ड में कुछ अप्रिशिएट करने के बोल देते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा एक्सीलेंट बहुत बढ़िया. The mother boy saw she did not believe him, or rather that she had paid no attention to his assertion. अब बॉय ने देखा, जो पॉल था लड़का, उसने देखा कि जो मदर है उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उसकी बात पर ध्यान भी नहीं दिया जो वो इतनी कॉन्फिडेंटली कह रहा था. This angered him somewhat and made him wanted to compel her attention. अब इससे जो है उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया और वो ये चाहता था कि वो जो है उसकी इस अटेंशन पर ध्यान दे या उसकी तरफ ध्यान दे इस बात की. He went off by himself vaguely in a childish way, seeking for the clue to luck. तो वो जो है फिर वहां से चला गया, जैसे बिल्कुल बच्चे होते हैं ना, गुस्से में वहां से चले जाते हैं, और वो जो है अपना लक ढूंढने के लिए चला गया. Absorbed, taking no heed of other people, he went about with a sort of stealth, seeking inwardly for luck. और वो जो है वहां से बिना किसी इंसान के ऊपर ध्यान दिए कि क्या कहते हैं कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और बस चुपचाप जो है वहां अपने लक को जो है ढूंढने के लिए चला गया. He wanted luck. He wanted it. अब उसे बस लक चाहिए था, यानी किस्मत चाहिए थी उसे. उसे किस्मत चाहिए थी. When the two girls were playing dolls in the nursery, he would sit on his big rocking horse, charging madly into space with a frenzy that made him the little girls peer at him uneasily. जब दोनों जो उनकी बहनें थीं, वो नर्सरी में डॉल्स के साथ खेल रही होती थी, तो वो जो है अपने बड़े वाले रॉकिंग हॉर्स पर बैठ गया और उसको जो है जैसे कहते हैं ना घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया, और इतना जैसे आसमान में बिल्कुल घोड़ा दौड़ाने लगते हैं, और इस उम्मीद से कि, और इतना जैसे उसकी आंखों में एक अजीब सी वो आ जाती है, ग्लेयर आ जाती है कि नहीं मैं घोड़ा दौड़ा रहा हूँ, जैसे बस पागलपन किया से दौड़ाए चले जा रहा हूँ. और वो इस तरह से करता था कि जो बहने बैठी होती थी वो भी उसको देख कर डर जाए. Wildly the horse carrier, जैसे बस घोड़े ने उड़ान भर ली है. The waving dark hair of the boy tossed, his eyes had a strange glare in them. और ये जो जब लड़का जो है जब उस घोड़े को चलाता था तो जिसके काले काले बाल थे वो लहराने लगते थे, उसकी आंखों में एक अजब सा चमक आ जाती थी. The little girls dared not to speak him. और उस समय वो जो लड़कियां थी उनकी भी हिम्मत नहीं होती थी उससे बात करने की. When he had ridden to the end of his mad little journey, he climbed down and stood in front of his rocking horse, staring fixedly into his lowered face. अब जब वो जो है पागलपन की हद तक अपनी जो जर्नी था उसको जब कर लेता था, उसके बाद नीचे उतरता था और घोड़े के सामने खड़ा हो जाता था और बिल्कुल उसके जो नीचे किया हुआ चेहरा है उसकी तरफ घूरने लगता था. Its red mouth was slightly open, its big eye was wide and glassy bright. उसका मुंह जो है बिल्कुल लाल हो जाता था, वो थोड़ा सा खुल जाता था, उसकी आंखें और चौड़ी हो जाती थी और उसमें एक अजीब सी कांच जैसी चमक आ जाती थी. Now he would silently command the snorting steed, now take me to where there is luck, now take me. और जैसे मानो ये जो है उसको चुपचाप सामने खड़े होकर ऑर्डर दे रहा है कि चलो मेरे को वहां लेके चलो जहां मेरा लक है, ले चलो मुझे वहां. And he would slash the horse on the neck with a little whip that he had asked Uncle Oscar for. और फिर वो जो है गर्दन, जैसे घोड़े की गर्दन पे हम लोग वो चाबुक मारते हैं ताकि वो और तेज दौड़े, तो बिल्कुल वो जो है हल्की सी एक विप देता है घोड़े की गर्दन पे जो उसने अंकल ऑस्कर से मंगाई थी. He knew the horse could take him to where there was luck only if only he forced it. और उसे पता था कि उसका जो घोड़ा है वो उसे उस जगह ले जा सकता है जहाँ उसकी किस्मत है अगर उसे थोड़ा सा फोर्स किया जाए तो. So he would mount again and started on his furious ride, hoping at the last to get there.
और फिर वो जो है घोड़े के ऊपर बैठ के खूब तेजी से दौड़ाने लगता था उसे कि जैसे मानो वो जो है वहां पहुंच ही जाएगा. He knew he could get there. उसे पता था कि वो वहां पहुंच सकता है. You will break your horse, Paul said the nurse. तो नर्स ने पॉल से कहा कि तुम अपना घोड़ा ये जो है तोड़ दोगे. He is always riding like that. I wish he would leave off, said the sister June. तो उसकी जो जोन सिस्टर थी उसने कहा कि ये हमेशा घोड़ा इसी तरीके से चलाता है और मेरा हमेशा इच्छा होती है कि इसे छोड़ दे. But he only glared down on them in silence. और वो जो है उनकी तरफ बस चुपचाप देखता रहता है. Nurse gave him up. नर्स ने जो है अपने जैसे कहते हैं ना हाथ खड़े कर दिए. She could make nothing of him. वो कुछ नहीं कर सकती है उसका. Anyhow, he was growing beyond her. जैसे कहते हैं ना अब उनकी जो जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता जा रहा है अब वो उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है. One day his mother and his uncle Oscar came in when he was on one of his furious rides. अब एक दिन जो है अंकल ऑस्कर और मदर जो है उसकी वहां पर आए जब वो जो है घोड़ा बहुत तेजी से चला रहा था. He did not speak to them. उसने उनसे बात तक नहीं की. Hello, you young jockey riding a winner, said his uncle. तो अंकल ने जो है उनसे कहा और भाई तुम तो बिल्कुल यंग जॉकी जैसे हो और क्या कर रहे हो कि घोड़े को दौड़ा रहे हो. Aren't you growing too big for the rocking horse? You are not a very little boy any longer, you know, said his mother. अब उनकी मदर ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता है तुम इस लकड़ी के घोड़े के लिए काफी बड़े हो गए हो अब तुम छोटे बच्चे तो नहीं रह गए हो. But Paul only gave a blue glare from his big rather close set eyes. He would speak to nobody when he was in the full tilt. His mother watched him with an anxious expression on her face. अब उनकी जो मदर पॉल था वो अपने घोड़े पे बैठा हुआ था बस उसने जो है उनकी तरफ घूर के देखा अपनी जैसे नीली नीली आंखों से घूर कर देखा और उन दोनों से किसी से भी उसने बात नहीं करी जब वो घोड़ा दौड़ा रहा था. उसकी मदर जो है उसको बड़े मतलब जैसे चिंतित तरीके से देखती रही उसके उनके चेहरे पे एक अजीब से चिंता के भाव आ रहे थे. एट लास्ट ही सडनली स्टॉप फोर्सिंग हिज हॉर्स इनटू द मैकेनिकल गैलप एंड स्लाइड डाउन. फिर वो जो है उसने एकदम से अपने घोड़े को रोका और नीचे उतर आया. वेल आई गॉट देयर, ही अनाउंस्ड फियर्सली, his blue eyes still flaring and his sturdy long legs straddling apart. मैं वहां पहुंच गया, उसने जोर से अनाउंस किया. उसकी आंखों में अभी भी जो है ना जैसे एक आग जल रही थी और उसके जो लेग्स थे वो अभी भी जैसे थोड़ा कहते ना घोड़े से उतरने के बाद जो है थोड़े से दूर थे अभी उसके लेग्स. Where did you get to? asked his mother. तो कहां चले गए थे तुम, उसकी मदर ने पूछा. Where I wanted to go, he fled back at her. तो उसने जो है एकदम सुनसे कहा जहां मैं जाना चाहता था. That's right, son, said Uncle Oscar. Don't you stop till you get there. What's the horse name? तो अंकल ऑस्कर ने कहा हाँ बिल्कुल सही है बेटा, तो तुम तब तक रुके नहीं जब तक तुम वहां पहुंच नहीं गए. अच्छा तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? He doesn't have a name, said the boy. उसने कहा उनका कोई नाम नहीं है. Gets on without, all right, asked the uncle. अच्छा तो तुम सवारी बिना नाम के ही करते हो. Well, he has different names. He was called Sansovino last week. तो उन्होंने कहा नहीं उसके अलग अलग नाम हैं. पिछले हफ्ते उसका नाम Sansovino था. Sansovino? हैं? Won the Ascot? How did you know his name? अब Sansovino की बात कर रहे हो? जिसने पिछले अभी Ascot जीता था? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? तुम्हें उसका नाम कैसे पता? He always talk about horse races with Bassett, said John. तो जून जो उसकी बहन थी उसने कहा कि हमेशा Bassett के साथ घोड़ों की रेस के बारे में बात करता है. The uncle was delighted to find that his small nephew was posted with all the racing news. अब जो अंकल थे उनको थोड़ी सी खुशी हुई कि उनका जो छोटा सा nephew है उसको racing की सारी खबरें पता हैं. Bassett, the young gardener who had been wounded in the left foot in the war and had got his present job through Oscar Creswell, whose batman he had been, was a perfect blade of the turf. अब ये जो Bassett थे ये बेसिकली एक गार्डनर था, यंग गार्डनर था जिसको कि वॉर के टाइम पे उसके लेफ्ट फुट में चोट लग गई होगी जिसकी वजह से उसने वॉर की जो जॉब थी वो छोड़ दी वहां की आर्मी की और अब जो है वो जो है इन्हीं ऑस्कर क्रेसवेल की वजह से यहाँ काम कर रहा है. और एक तरह से कहना चाहिए कि ये परफेक्ट ब्लेड की तरह है, जैसे कहते हैं सारी नॉलेज जो मिल रही है उसे रेस के बारे में वो इसी से ही मिल रही है. ही लिव्ड इन द रेसिंग इवेंट्स एंड द स्मॉल बॉय लिव्ड विद हिम. एक तरह से जैसे कहते हैं उसको घोड़ों की रेस का बहुत शौक है और ये लड़का जो है हमेशा उसके साथ ही रहता है. ऑस्कर क्रेसवेल गॉट इट ऑल फ्रॉम Bassett. अब ऑस्कर क्रेसवेल को जो है सारी बातें Bassett से पता चली. मास्टर पॉल कम्स एंड आस्क मी सो आई कांट डू मोर देन टेल हिम सर, सेड Bassett, हिज फेस टेरिबली सीरियस एज इफ ही वाज स्पीकिंग ऑफ रिलीजियस मैटर्स. अब जब Bassett को बुलाकर ऑस्कर ने पूछा तो उसने बताया कि ये जो मास्टर पॉल है ये मेरे पास आते हैं
और पूछते हैं मुझसे तो मैं क्या करूं, मुझे बताना ही पड़ता है। जब वो ये बात कह रहा था तो उसका चेहरा जो है बिल्कुल सीरियस हो गया था, जैसे मानो वो कितनी रिलीजियस मैटर्स पे बात कर रहा है। एंड डज ही एवर पुट एनीथिंग ऑन अ हॉर्स ही फैंसीज, तो उन्होंने पूछा कि इसने कभी घोड़ों पे कुछ लगाया भी है। वेल आई डोंट वॉन्ट टू गिव हिम अवे, ही इज अ यंग स्पोर्ट, अ फाइन स्पोर्ट सर, वुड यू माइंड आस्किंग हिमसेल्फ। तो उन्होंने कहा सर मैं अपने आप में कुछ नहीं बताना चाह रहा, एक अच्छे यंग स्पोर्ट हैं, एक अच्छे घोड़े की रेस पे खेलने वाले हैं, ज्यादा अच्छा होगा कि आप खुद ही इनसे पूछ लें। He sort of takes pleasure in it and her perhaps he would feel I was giving him away, sir, if you don't mind. उनको जो है इसमें बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है और फिर उनको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने आपको सारी बातें बता दी, तो सर प्लीज आप अगर बुरा ना माने तो उन्हीं से ही पूछ लें। Bassett was as serious as a church. अब बैसेट जो है बिल्कुल जैसे हम लोग चर्च में जाते हैं वहां बिल्कुल सीरियस होकर काम प्रेयर करते हैं, वैसे ही बिल्कुल चुप हो गए थे। द अंकल वेंट बैक टू हिज नेफ्यू एंड टुक हिम ऑफ फॉर अ राइड इन द कार। अब अंकल जो है नेफ्यू के पास वापस आते हैं और उसे जो है जैसे कार में घुमाने के लिए ले जाते हैं। से पॉल ओल्ड मैन डू यू एवर पुट एनीथिंग ऑन अ हॉर्स, द अंकल आस्क्ड। अब अंकल ने जो है पॉल से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम क्या तुमने कभी घोड़े पे कुछ लगाया है। द बॉय वॉच्ड द हैंडसम मैन क्लोजली। अब वो जो लड़का था वो उनको ध्यान से देखता है। Why do you think I ought not to? He parried. Not a bit of it. I thought perhaps you might give me a tip for the Lincoln. तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने नहीं लगाया होगा? नहीं, ऐसा नहीं लगता है मेरे को। मैंने सोचा कि चलो तुमसे ही पूछ लूं कि तुम मुझे कुछ लिंकन के बारे में टिप दे दो। The car sped on into the country, going down to Uncle Oscar's place in Hampshire. अब जो कार थी जिसमें वो उसको घुमाने ले गए थे वो कंट्री साइड की तरफ निकल ली और जहां पर अंकल ऑस्कर का घर था हैम्पशायर में। ऑनर ब्राइट सेड द नेफ्यू। ऑनर ब्राइट सन सेड द अंकल। वेल देन डैफोडिल। पहले उसने जो है घोड़े का नाम लिया ऑनर ब्राइट, तो अंकल ने बोला ऑनर ब्राइट, तो उसने बोला कि अच्छा डैफोडिल। तो फिर अंकल बोले डैफोडिल आई डाउट इट सनी, व्हाट अबाउट मिर्जा। उसने कहा डैफोडिल पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, मिर्जा के बारे में क्या कहते हो। आई ओनली नो द विनर सेड द बॉय दैट्स अ डैफोडिल। तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ विनर के बारे में पता है और वो है डैफोडिल। डैफोडिल हाँ, तो वो बोलते हैं अच्छा डैफोडिल। देयर वाज अ पॉज। डैफोडिल वाज एन ऑब्स्क्योर हॉर्स कंपैरेटिवली। अब डैफोडिल के बारे में जैसे ना थोड़ा सा क्लियर नहीं था, अभी डाउटफुल थे डैफोडिल को लेकर। अंकल यस सन You won't let go it any further, will you? I promise Bassett. तो जो पॉल था उसने कहा कि अंकल मैं जानता हूँ कि आप जो हैं और किसी को ये बात नहीं बताएंगे। मैंने Bassett को भी यही प्रॉमिस लिया है। Bassett be damned old man, what he got to do with it? तो उन्हें कहा Bassett को छोड़ो, तुम बताओ उसका इससे क्या लेना देना। We are partners, we have been partners from the first. तो उसने बोला कि हम पार्टनर्स हैं और हम शुरू से पार्टनर हैं। अंकल ही लेंट मी माय फर्स्ट 5 शिलिंग्स व्हिच आई लॉस्ट। तो उसने बोला कि मेरे को जो है उसने पहले 5 शिलिंग्स उधार दिए थे जो मैं खो चुका हूँ। आई प्रॉमिस्ड हिम ऑन अ ब्राइट, इट वाज ओनली बिटवीन मी एंड हिम, ओनली यू गेव मी दैट 10 शिलिंग नोट, आई स्टार्टेड विनिंग, सो आई थॉट यू वर लकी, यू वॉन्ट लेट इट गो एनी फर्दर विल यू। अब उसने बोला कि ऑनर मैंने जो है उसको प्रॉमिस किया था, लेकिन ऑनर ब्राइट खाली मेरे और आपके बीच में है। आपने मुझे 10 शिलिंग्स नोट दिए थे जिससे मैंने जीतना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है कि आप मेरे लिए लकी हो, पर आप जो है अब ये बात किसी और को आगे नहीं बताओगे। द बॉय गेज्ड एट हिज अंकल फ्रॉम दोज बिग हॉट ब्लू आईज सेट रदर क्लोज टूगेदर। और वो दोनों क्योंकि पास पास बैठे थे तो जो लड़का था वो अपने अंकल की आंखों में घूर कर देखता है, अपनी उन्हीं नीली नीली छोटी जो आंखें थी उसकी, उससे बड़ी बड़ी नीली नीली जिसमें एक अजीब सी गर्मी थी, उनको घूर के देखता है। द अंकल स्टर्ड एंड लाफ्ड अनइजीली। अब अंकल जो है वो थोड़ा सा फिर जैसे समझ नहीं आता तो हंसने लगते हैं। राइट यू आर सन, आई विल कीप योर टिप प्राइवेट। डैफोडिल हाउ मच यू आर पुटिंग ऑन हिम। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हारी मैं बात को जो है जैसे कॉन्फिडेंशियल रखूंगा। तुम डैफोडिल कह रहे हो, अच्छा ये बताओ तुम डैफोडिल पे कितना लगा रहे हो। All except 20 pounds said the boy. I keep that reverse. उसने कहा मैं सारे पैसे जो हूँ 20 pounds छोड़कर बाकी सारे पैसे जो हैं डैफोडिल पे लगा रहा हूँ। 20 pounds जो है मैं रिजर्व में रखता हूँ।